तो ये जो टाइटल मेरे जिम्मे लगाया गया था, ये एक फोकस टाइटल है और मैं भी फोकस्ड रहा हूँ। इसको इरादा तो ये था कि हम पूरा डिस्कशन करते डेट पाम से रिलेटेड। तो फोकस्ड है कि हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ द डेट पाम, कि डेट पाम की हार्वेस्टिंग के दौरान कौन से पॉइंट्स आपने जहन में रखने चाहिए और पोस्ट हार्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हार्वेस्टिंग ऑफ डेट पाम। तो डेट पाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आप जहन में रखें कि जो इनकी स्टेजेस हैं पोलिनेशन, जब हम करते हैं पोलिनेशन के बाद नर छिड़कने के बाद फ्रूट हमारा तैयार होने तक, जो कि पका हुआ खजूर बन जाती है जिसको हम पिंड कहते हैं लोकल हमारी पाकिस्तान की जबान में, वहां तक तैयार होने तक ये जो डेट्स की मुख्तलिफ अकसाम है ये 180 से 210 दिन तक में मुख्तलिफ वरायटी वरायटी पे डिपेंड करता है कि वरायटी कौन सी है उसके हिसाब से। मेडजोल है, बरी है, हमारे पास जो है मोजावती है या इस किस्म की कहरबा है, तो ये जो है ये डिपेंड करेगा कि मैंने नाम उन वराइटीज का लिया है, कुछ अर्ली हैं और कुछ लेट हैं। जैसे मोजावती लेट चली जाती है और कहरबा जो है हमारे पास अर्ली आती है, इस तरह की वराइटीज हैं। ढक्की जरा लेट है, असील जरा अर्ली है, कदर भी अर्ली है, हिलावी जरा उससे लेट है। तो इस तरह की मैंने वैरायटीज के नाम लिए हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि 180 से लेके 210 दिन इसको लगते हैं पोलिनेशन से लेके इसके खजूर तैयार होने तक। खजूर तैयार होने तक ये तकरीबन कोई 5 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है जो खजूर है इसका अमल। पहली जो स्टेज है उसको हैबबक स्टेज कहते हैं। हैबबक स्टेज, ये फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं जिसको हम हैबबक स्टेज कहते हैं। ये पोलिनेशन के बाद जैसे ही हमारी ओवरी फ्रूट की वहां पे वो हार्डन्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो इसको हम हैबबक स्टेज कहते हैं। इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, हार्ड होती है, ग्रीन होती है, डल कलर होता है इसका, और इससे ऊपर जो स्टेज जाती है उसको किमरी स्टेज कहा जाता है और अमूमन ये हमारे यहाँ गंदोड़ा स्टेज कही जाती है। आम लैंग्वेज में, हम लोकल लैंग्वेज में इसको गंदोड़ा स्टेज कहते हैं। ये एडिबल स्टेजेस नहीं है, आप इसको बकरियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उससे उसके अलावा इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। और किमरी स्टेजेस में ये फिर फर्दर 2 स्टेजेस से गुजरती है साइज के हिसाब से। और जब ये प्रॉपर एक साइज, हर वरायटी का एक खास साइज होता है जिसको हम हार्टिकल्चरल मैच्योरिटी कहते हैं, एक खास साइज अपने पूरे प्रॉपर साइज पे गुजरती हैं, तो उसको हम खलल स्टेज कहते हैं। खलल स्टेज जिसको डोका स्टेज कहते हैं। खलल स्टेज में रंग ग्रीन का या तो येलो हो जाता है या फिर रेड में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस स्टेज में जो आपका जो इसके अंदर पानी होता है, पानी की मिकदार 65% तक और या इससे ऊपर ऊपर रहती है, इससे नीचे नहीं होती। कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज के साथ जो शुगर्स होती हैं, शुगर जिसकी सक्रोज है वो फ्रक्टोज और माल्टोज में, एडिबल उसमें जो हमारे मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं उनमें चेंज हो जाती है। और कुछ वैरायटीज ऐसी हैं इनमें खास, आपने देखा होगा कि हमारे गले में कुछ खजूरें वो इचिंग सी करती हैं, यहाँ पे जो है गले में इशू क्रिएट करती हैं, वो जिस केमिकल की वजह से होता है वो टैनिन उसको कहते हैं। जिन वराइटीज में टैनन की मिकदार ज्यादा रह जाती है उनको हम आगे तमर और रुतम में ले जाते हैं, और जिनमें खलल स्टेज में टैनन की मिकदार कम हो जाती है उसको हम डोका पे ही खाते हैं, जैसा कि हिलावी खाते हैं, जैसा कि शक्कर है हमारे पास बलूचिस्तान की, उसको हम डोके की सूरत में खाते हैं। जो डोके की सूरत में खाते हैं वो टैनन उसमें कम हो जाता है, शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो ये जो है ये वाली ये हमारी खलल स्टेजेस हैं, इन खलल स्टेज पे इसको खा सकते हैं। अब खलल स्टेज के बाद फिर इसमें ये थोड़ा सा मैं आपको मैच्योरिटी इंडेक्स से समझा रहा हूं, उसके बाद इसको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। इसके बाद जब इसकी राइपनिंग स्टार्ट होती है, ये फ्रूट पकना स्टार्ट होता है, पकने का जो एक दाग इस पे पकने का स्टार्ट होता है, वहां से लेके पूरा पकने तक जो स्टेज आती है उसको हम रुतब स्टेज कहते हैं। इसमें मॉइस्चर की जो लेवल है वो 30% से ऊपर ऊपर होता है, 65 से कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, 30 से लेके 40 तक, यहाँ तक 45 तक, यहाँ तक टेम्परेचर है अपना मॉइस्चर रहेगा, लेकिन 30 से 40 तक ज्यादातर जो होता है वो रहता है, इसको हम रुतब स्टेज कहते हैं। ये रुतब स्टेज जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसका जब
आप मॉइस्चर लेवल या तो आर्टिफिशियल रैपनिंग के थ्रू उसको ड्राई करने करके या ट्री के ऊपर, जब ये 20, 25, 30 से बिलो चला जाए और 20 और 30 के दरमियान में रहे, तो उसको हम तमर स्टेज कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं जिनको जहन में रखना चाहिए, उसी हिसाब से इसकी क्योरिंग होती है। जो खलल स्टेज है, खलल स्टेज आप कच्ची खा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर टेनिन की मिकदार जिन वराइटीज में कम हो जाती है, जैसा कि हिलावी की मैंने एग्जाम्पल दी है, सारे जानते हैं हिलावी के बारे में, या शक्कर बलूचिस्तान की है, अब ये जो है, या बसरा है, इस तरह की जो वरायटी है, पताशो है, इस तरह की जो वराइटीज हैं, वो आप सॉरी वो आप कच्ची खा सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं, और उसको आप जो है उसकी राइपनिंग और तरीके से भी करा सकते हैं, आगे देखेंगे। और उसके अलावा आप उसकी वैल्यू एडिशन, आप उसके अचार पिकल्स के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रुतब है, रुतब वैसे फ्रेश खाई जाती है, उसको आप ड्राई भी कर सकते हैं। और जो तमर है, इसको आप फर्दर लेके जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो स्टोर होती है बेसिकली वो तमर होती है, और तमर की प्राइस जो है वो रुतब के मुकाबले में या खलल के मुकाबले में, लोकल मार्केट में या आपकी इंटरनेशनल मार्केट है, उसका रेट ज्यादा होता है। अब टाइप्स ऑफ डेट्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तीन कैटेगरीज की गई हैं। मॉइस्चर की वजह से सॉफ्ट डेट कल्टीवर्स हैं, जिनके ऊपर मैंने बताया कि 30% से ज्यादा मॉइस्चर हो, सॉफ्ट हमारे पास वराइटीज बनती है, जैसे हिलावी है, अगर इसका हम फ्रूट बनने दें यहाँ पे, जो कि ह्यूमिड एरिया है, तो वहां पे वो सॉफ्ट बनती है। हमारे पास सेमी ड्राई वराइटीज में असील आ जाती है, सेमी ड्राई में है, इस तरह के काफी सारी वराइटीज हैं जो कि बलूचिस्तान की हैं, वो सारी सेमी ड्राई में है। और दो हमारे पास हैं, पोपो हो गया, खुशकेंच हो गई, ये ड्राई वराइटीज में है, जिसमें लेस देन 30 जो है मॉइस्चर होता है। ये हमारी लोकल वराइटीज की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये इस तरह की तीन कैटेगरीज हम करते हैं। अब हार्वेस्टिंग टाइम क्या जहन में रखना चाहिए, कि हार्वेस्टिंग के टाइम के लिए आप जहन में रखें कि हार्वेस्टिंग के लिए दो चीजें मैटर करती हैं, एक अपेयरेंस है और एक उसका टेक्सचर है। अपेयरेंस को देखना है, क्या उसका कलर चेंज हो गया है, और कलर चेंज हो गया है तो वो क्या पूरा ब्राउन हो चुकी है वैरायटी जो हमारी, या वो ब्लैकिश में, अगर रेड होगी तो वो ब्लैक अपेयरेंस में चली जाएगी, तो वो उसमें क्या उसका कलर चेंज हो गया है, अपेयरेंस उसकी कैसी है, या जो अगर डोके में उतारना है तो क्या वो येलो हो गया है, पूरा येलो हो गया है, और टेक्सचर उसका कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें क्या है, शुगर कंटेंट्स उसमें कितने हैं। शुगर कंटेंट्स इसलिए चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर टैनिन होता है, और टैनिन हमें नहीं चाहिए, और ये बेसिकली मिठास की वजह से, अपने शुगर की वजह से इंपॉर्टेंट है। और टीएसएस आपको पता है, जब भी कोई फ्रूट हम कहीं पे एक्सपोर्ट करते हैं या मार्केट करते हैं, टीएसएस एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर है जिसको देखना पड़ता है, और फ्रूट का कलर जो मैंने आपको बताया, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर टाइमिंग ऑफ हार्वेस्ट, अगर आप प्रॉपर इसको मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं, तो इंसिडेंस एंड सेवेरिटी ऑफ क्रैकिंग और स्प्लिटिंग ऑफ डेट्स, ये आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना उसको लेट रखेंगे, अगर वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है हवा में, या बारिश ज्यादा आ जाती है, तो इससे ये होगा कि इसमें फ्रूट पे क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग्स पड़ती हैं, और उसके साथ क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद उसकी राटनिंग स्टार्ट हो जाती है फौरन ही, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके बाद उसमें उसकी राटनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फंगस आ जाएगा, और वो जो है अल्कोहलिक स्मेल देना शुरू कर देती है। अब इसको कब करते हैं, जब इसका खलल स्टेज है, तो जुलाई में करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजूहात है खलल स्टेज की जुलाई में करने की, एक वजह ये है कि जनाब, जैसा कि जो वैरायटी जिनमें मिकदार कम है टैनिन की, वो हम कच्चा खाते हैं, वो हमारा अच्छा बिक जाता है, 100 से लेके 200 रुपए किलो के हिसाब से ये हमारा डोका भी बिकता है, शक्कर का भी, और ये जो है हिलावी का भी, तो इसलिए इसको जुलाई में उतार दिया जाता है। दूसरा, मॉनसून भी एक इश्यू है, मॉनसून से बचने के लिए भी जो डोके पे खाने वाली हैं फार्मर, ये कह चाहते हैं कि उसको टाइमली हम जो है वो मार्केट कर सकें, तो वो जुलाई में उतार दी जाती हैं, या फिर उसका हमने छुआरा बनाना है तो छुआरा बनाने के लिए भी टाइमली उसको उतार देंगे।
अगर इसको आपने दूसरी स्टेजेस पे लेके जाना है ताकि ये हमारा डंग बने या पिंड बने, डंग और पिंड बनाने के लिए, तो इसको हम अगस्त सितंबर तक ले जाते हैं। हमारी जो वैरायटीज खासकर बलूचिस्तान की हैं, ये सितंबर के एंड तक चली जाती हैं, इवन कुछ वैरायटीज अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज तक भी चली जाती हैं। तो क्योंकि वो जो है वो ड्राई जोन है, वहां पे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, खासकर पंजगुर में, तो ये जो है वहां पे हमारी रैपनिंग स्टेज तक चली जाती हैं वैरायटीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्री हार्वेस्ट हैंडलिंग, एक पॉइंट इसका जरूर बताऊंगा मैं कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ ये जो है वो रिवाज बहुत कम है। अच्छे कुछ फार्मर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि इंटरनेशनली हर जगह पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, इवन इसराइल में किया जाता है जो कि ड्राई जोन है, वहां पे भी बंच को कवर किया जाता है, बंच को कवर किया जाता है। और उसके अलावा जो ह्यूमिड जोन है, ह्यूमिड जोन में अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो ह्यूमिड जोन में थाईलैंड इस वक्त उभरती हुई मार्केट है डेट पाम की, वहां पे वो इसको कवर करते हैं पूरे बंच को थाईलैंड में। तो ये जो है हर जगह पे, इवन स्पेन में एल्ची में जहां पे ये लगाई जाती है वो भी ह्यूमिड जोन है, वहां भी इसको बाकायदा बंच को कवर किया जाता है। और कवर करने की कई वजूहत है, राइपेंड फ्रूट हम उससे ले सकते हैं और इंसेक्ट पेस्ट से बचा सकते हैं, डस्ट से बचा सकते हैं। ये डिफरेंट मैंने आपको शो किए हैं दो किस्म के, कुछ जो है वो पहले लोग जानते हैं, दो तीन किस्म के इसमें शो हो रहे हैं। एक जो है वो नेट है जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये नेट है, ये आपको डस्ट से भी बचाएगा हमारे ट्री को, क्योंकि डस्ट इस पे पड़ती है। ये जुलाई में जब इस बार नहीं हुआ, जब हवाएं चलती हैं तो इस पे डस्ट पड़ती है, तो आपको अपने पौधे को धोना पड़ता है और उसको वॉश करना पड़ता है बांझ को, तो उससे अच्छा है। और जब ये जो हमारा फ्रूट इसमें मिठास आनी शुरू हो जाती है, तो इसका एक पेस्ट बर्ड्स है और वो बर्ड्स इस पे आते हैं, तोता आता है, इस तरह के बर्ड्स इस पे आते हैं, तो उनसे भी बचाने के लिए हम ये नेट चढ़ा देते हैं। और नेट जो है इस दोनों साइडों से ओपन होता है, एक से पूरा बंद होता है, नीचे से भी बंद रखते हैं। और जो हमारी आप ये सेकंड पिक्चर में देखेंगे, अगर सेकंड पिक्चर में जो हमारा फ्रूट तैयार होता जाता है, ये मेटजोल का पौधा मैंने दिखाया है, ये यही पाकिस्तान में लगा हुआ है, तो इसका फ्रूट जो गिरता रहता है वो भी नीचे उतरता रहता है, और हम इसको जो फ्रूट हमारा तैयार हो गया उसको वहां से निकाल लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं, ताकि फ्रूट के ट्री के ऊपर जो फ्रूट राइपन होगा उसकी क्वालिटी में और जो हम आर्टिफिशियल राइपनिंग कराएंगे उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये जो है ये प्रेफर किया जाता है जोन के हिसाब से। और दूसरे कवर भी हैं, ये जो डायपर वाला कपड़ा होता है इसको भी इस्तेमाल करते हैं, जो एरिया जहां पे ह्यूमिडिटी कम है वहां पे वो कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो डस्ट से बचाता है, इंसेक्ट पेस्ट से बचाता है, उससे हवा भी सही तरीके से जाती है। डायपर का कपड़ा आजकल इस्तेमाल होता है, ये ऊपर वाली पिक्चर में एक आप देखेंगे व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, और दूसरा डुअल टाइप आपको एक नजर आ रहा है, ऊपर एक हिस्सा इसका नायलॉन टाइप और नीचे इसके नेट लगा हुआ है। तो डिफरेंट किस्म के हम पेपर मटेरियल यूज करते हैं, कवरिंग मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें बिटोमिनाइज पेपर है, नायलून बैग्स हैं, पंच्ड पेपर है, इस तरह के हम मुख्तलिफ किस्म के नेट है, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से यहाँ पे पाकिस्तान में भी अभी ट्रेंड बन गया है। ये जो तस्वीरें मैंने शो कराई हैं, ये नीचे वाले जो दो हैं ये पाकिस्तान के डिफरेंट जोन से हैं। अब ये है कि जनाब हमने कवर कर लिया, कवर करने का मकसद जो था हमारा, बेसिकली कवर करने का मकसद ये था कि डर्ट से, डस्ट से, इंसेक्ट पेस्ट से हम बच सके, हमारा जो फ्रूट है वो नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर नीचे गिर गया तो नीचे वाला ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है और स्टोरेज के लिए भी फिट नहीं है। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उसको मेन स्टोरेज वाले मटेरियल में मिला लेते हैं जो नीचे गिर गया है, क्योंकि जमीन के साथ वो उसकी कनेक्टिविटी हो गई, कंटेक्ट हो गया उसका जमीन के साथ, जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसके साथ इंटैक्ट हो जाएंगे, इंटैक्ट होने के बाद वो वहीं से स्पोर, बाकी भी आपका जो साफ सुथरा क्लीन फ्रूट है जो आप अलहदा अलहदा से ऊपर से ही कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी स्टोरेज के दौरान
जो जो है वो डैमेज करेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें शो नहीं होता, और इसकी कॉलोनी जो है वो रैपिडली बढ़ रही होती है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। और ये जो हाउ टू हार्वेस्ट डेट्स है, अब इंटरनेशनली डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें प्लेटफॉर्म एक इस्तेमाल होता है, ये ट्रैक्टर माउंटेड भी है, एक पूरा इसका सिस्टम भी है एलिवेटर के साथ, और दूसरी पिक्चर में मैंने शो कराया ये शेकर है। अब डेट पाम का शेकर भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, कि जिसमें जैसा कि आपने आलमंड की वीडियोस हैं और इस तरह की वो बड़ी फेमस हैं वीडियोस यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, कि वो शेक करता है ट्री को और सारा का सारा जो तैयार फ्रूट होता है वो नीचे गिर जाता है। इसी तरह का खजूर में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये शेक करते हैं आप, शेक करने के साथ जो तैयार फ्रूट है आपका वो उसमें आ जाता है, उस वहां से कलेक्ट होता है, बेल्ट के थ्रू नीचे जाता है, और वो एक जो क्रेट्स हैं क्रेट्स में रख दिया जाता है। हमारे यहाँ जो तरीकाकार है वो ये तरीकाकार है कि हमारे पास एक चाढ़ा होता है क्लाइंबर, वो चढ़ता है, उसका एक खास हिफाजत के साथ उसको उसको चढ़ना होता है। दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर जो एरियाज हैं उसमें जो चाढ़ा है जो क्लाइंबर है वो ऐसे ही क्लाइंब कर जाता है, चाहे वो छोटा ट्री हो या बड़ा ट्री हो, रस्सी साथ बांधी कमर में और ऊपर चढ़ गया। लेकिन पंजाब की जो प्रैक्टिस है वो दो तरह की है, इसमें अगर 20 फीट तक का उससे नीचे नीचे का पौधा है तो वो सीढ़ी लगाते हैं ज्यादातर यहाँ पे जो प्रैक्टिस किया जाता है, उससे अलहदा कोई बड़ा पौधा है तो उस पे चढ़ा जाता है। लेकिन उसमें भी जो प्रैक्टिस की जाती है, हमारी दो तरह की प्रैक्टिस है, और एक जो है वो प्रैक्टिस वो अप्रिशिएबल नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए, कि पूरा बंच काटा, बंच को रस्सी के साथ लगाया और नीचे आके वो नीचे गिरा, उसमें से आधा फ्रूट भी गिर गया और बाकी हो गया, और झाड़ू के साथ उस फ्रूट को हमने इकट्ठा किया और वो सारे फ्रूट को मिला दिया और ये सारा कुछ हो गया। एक तरीका कार ये है जो कि प्रैक्टिस होता है काफी जगहों पे, कि वो रोज एक वीकली के हिसाब से वो पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वहां पे जो राइपेंड होता है फ्रूट, जो हमारा तमर डंक स्टेज पे होता है, रुतब स्टेज पे, डंक स्टेज जो है उसको उतारते हैं, और वो उतार के एक खास उनके पास टोकरी होगी, कोई कपड़ा होगा, उसमें ले आते हैं, वो साफ सुथरी होती है, उसे आके आप आगे मार्केट होती है या खाने के लिए इस्तेमाल होती है, या आप उसको फर्दर अगर ड्राई करना चाहते हैं तो वो ड्राई कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए कि ट्री को क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप ट्री में देखें जो जो चीजें अप्रूव्ड हैं और इस पे अमल होना चाहिए, वो ये है कि आप सॉफ्ट सॉफ्ट देखें कि हमारी जो खजूर है वो सॉफ्ट हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या उस पे रिंकल पड़ चुके हैं, अगर रिंकल उस पे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी जो हमारा जो फ्रूट है ये राइपनिंग की तरफ जा रहा है, अब ये राइपेंड किसी हद तक हो चुका है, चाहे वो 20% हुआ है या 30 भी हुआ है, आप उसी हिसाब से उसको उतार सकते हैं। और ये आपके जहन में है कि आपने मार्केट कहाँ करना है, डोमेस्टिक में करना है, एज ए डंग करना है, या इसको ड्राई करना है। अगर ड्राई करना है तो उसके लिए आप 30% से ज्यादा जो आपकी राइपनिंग हो गई होगी फ्रूट की तो उसको आप उतारेंगे, अगर उससे कम होगा तो वो डंग आपका मार्केट में जो डेली के हिसाब से बिक सके वो आप बेच सकेंगे, और उसकी जो है स्टोरेज भी उसी हिसाब से होगी। अब थर्ड पॉइंट इसका है कि लुक फॉर राइप डेट्स थ्रू द सीजन, थ्रू आउट द सीजन, आपने वीकली देखते रहना है। ये मैं फ्रेश मार्केट फ्रेश डेट्स के लिए बता रहा हूं, कि जो फ्रेश डेट्स होंगी, छुआरे के लिए नहीं, छुआरे के लिए हम आगे देखेंगे, तो वो तो एक खलल स्टेज पे पहले ही डंग स्टेज पे हम उतार देंगे, ये फ्रेश डेट्स के लिए बात हो रहा है कि वीकली आपने विजिट करना है, और वीकली दरख्त पे चढ़ के, जैसा कि पोलिनेशन के लिए हम कहते हैं कि जब आप एक राउंड लगा लें तो फिर आप अपने बाग में दूसरा राउंड लगाएं, फिर तीसरा लगाएं, जिस तरह से उसके स्पेथ निकलते हैं उसी हिसाब से आपने पोलिनेशन करना है, तो आपने इसकी जो पिकिंग करनी है वो पिकिंग भी हार्वेस्टिंग भी इसकी फ्रूट की वो भी उसी अंदाज में करनी है, क्योंकि ये एक ही टाइम में सारे राइपन नहीं होते। और फोर्थ पॉइंट है कि पुल जेंटली ऑन द डेट टू पिक इट, आप इसको जेंटली उतारें, क्योंकि आपके पास ज्यादातर जो वराइटीज हैं वो सॉफ्ट वराइटीज हैं, सॉफ्ट वराइटीज को आपने डी शेप नहीं करना है, उसको जेंटली आराम से उतारें, नाइफ के साथ उतारें। अगर आप देखते हैं कि जो हमारा बंच है उसमें ज्यादातर जो हमारा एक स्पाइक है जिसको हम एक लड़ी कहते हैं, एक लड़ी में से
हमारे 70% 80% तक ये फ्रूट तैयार हो चुका है, तो आप उस पूरी लड़ी को काटें और उसी को उसी तरह से अच्छी सी पैकिंग करके आप मार्केट कर सकते हैं कि मार्केट करना चाहें। जैसा कि अगर आप में से किसी ने यकीनन आप लोगों में से देखा होगा या यूरोपियन कंट्रीज में विजिट हुआ हो तो आपने देखा होगा कि वो बड़े खूबसूरत अंदाज में डेगलेट नूर को पूरे के पूरे लड़ी के साथ रख के वो आपको सेट करके जो है वो सेल आउट करते हैं। वो 1/2 kg का भी होता है, जो है आपका 1 किलो का भी होता है, और इस तरह 5 किलो का भी डब्बे बना के वो सेल आउट करते हैं। अगर आप देखते हैं कि मेरा बंच जो है वो 60% तक 70% तक तैयार हो चुका है, तो आप पूरे बंच को काट सकते हैं, पूरे बंच समेत काटें, थोड़ा सा उसको धूप लगवाएंगे तो वो आपका जो है फ्रूट जो है वो फ्रूट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, और उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं, अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर इसको आपका अनराइपन डेट्स हैं तो उसको राइपन करना चाहते हैं तो उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, आगे देखेंगे। अब ये राइपनिंग हार्वेस्टिंग से रिलेटेड चंद पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, बाकी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो टॉक थी मुझे बताया गया था कि ये 30 35 की है, तो उसी हिसाब से हमने जल्दी जल्दी चीजों को कवर करना है ताकि कुछ हम डिस्कशन कर सके। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ डेट्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्री सॉर्टिंग करें आप। प्री सॉर्टिंग, जिसका बाग ज्यादा है तो वो पहले सब सारी चीजों को इकट्ठा करता है, काट के जल्दी फ्रूट को अलहदा करता है, उतारता है, फ्रूट को तोड़ने के बाद बंच से अलहदा करने के बाद फिर उसकी प्री सॉर्टिंग स्टार्ट होती है कि जो आपका फ्रूट काबिल नहीं है आगे भेजने का, वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसको वहां से निकालें। जो डिजीज है, जो डैमेज है, राटन है, इस किस्म का, यानी गला सड़ा है जो आपका, जिसको बीमारी लगी हुई है, जो आधा खाया हुआ है, उसमें बर्ड्स अटैक कर गए हैं, कोई इस किस्म की जो भी चीज आपको नजर आती है उसको निकाल दें, क्योंकि वो बाकी जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं अदरवाइज वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें मोल्ड हो जाता है, इसमें फंगस वगैरह ये जो चीजें हैं ये हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहा जाता है ये इसमें आ सकते हैं, बाकी आपकी स्टोर सारे स्टोर को खराब कर सकते हैं। वो अलहदा करें, अलहदा करने के बाद क्रेट्स भरें, क्रेट्स भरने के बाद उसको जो है वो आगे आप अपने जहां पे आपकी फैक्ट्री है या जो भी जगह है उसको स्टोरेज के लिए उसकी तरफ आप लेके जाएंगे। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्री सॉर्टिंग करते हैं, कि हमारे यहाँ जो आम रिवाज है, हम उसको जो अमूमन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आम जमीन पे ही ये बहुत बड़े अंबार लगा देते हैं और वहीं से उसका इंटेक्ट हो जाता है, वहीं से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको लगती हैं, वहां पे केयर नहीं हो रही होती। जो है वो बंदे जिस तरह के हैं वो पैरों समेत ऊपर चढ़ रहे हैं, और दूसरा मट्टी पे चीजें हैं, अगर मट्टी पे नहीं है तो इन्होंने वो चटाइयां बनाई होती हैं और चटाइयों के ऊपर रख देते हैं, वो चटाइयां जो हैं वो तकरीबन कोई कई कई सालों से चटाइयां हैं, और वो चटाइयां भी जमीन के साथ लगी हुई हैं और इतनी वो इंफेक्टेड हैं, उन पे माइक्रोब हो सकते हैं कि जिसका जो है कोई कोई वो नहीं है कि हमारे पास अगर वो जो इश्यूज हैं जो हमारे पास आते हैं लॉसेस के उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, ये जो स्टोरेज के हैं वो बेसिकली इन्हीं चीजों की वजह से आते हैं कि जो हम अनहाइजेनिक चीजें करते हैं। वो चटाइयां कई कई साल पुरानी होती हैं और ना बंदे वहां पे केयर कर रहे हैं उसी तरह, क्या कोई साफ सुथरे हों या कोई चीज हो, ना कोई ग्लव्स हो, कोई पैरों पे कोई चीज हो या इस तरह का, और मट्टी के साथ इंटैक्ट है हमारा सारा का सारा। नीचे कोई हो सकता है कि हम पॉलिथीन के जो बड़े बड़े शापर हैं उनके जो छतों पे डालते हैं वो डाल दें कम अज कम, हम ये हो सकता है कोई नायलून के बड़े बड़े जनाब जैसा कि ये मैट वगैरह बनवा के वो हम डाल दें, तरपालें डाल दें नीचे, उसके ऊपर काम करें, कम अज कम कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। या मैंने काफी सारे फार्मर्स को देखा है सिंध में जो स्टैंड यूज करते हैं, उसी तरह के स्टैंड अगर वो हो जाए वो तो जो है वो दी बेस्ट एक प्रोसीजर है, उसको लाजमी एडॉप्ट करना चाहिए। ये जो है बलूचिस्तान की पिक्चर है और एक सिंध की पिक्चर है जिसमें अंबार लगा हुआ है, ये सिंध की पिक्चर है, और जो दूसरी जो वीमेन का आप देख रहे हैं ये काम कर रही हैं, ये तुर्बत की पिक्चर है, तुर्बत में है। कम अज कम इनका एक चीज ये है कि इन्होंने ट्रेज इस्तेमाल किए हुए हैं,
गो के ये भी जमीन के साथ इंटैक्ट है, लेकिन ट्रेस का इस्तेमाल है और बाकी चीजें हैं, इनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताए हैं, यहीं से ही बेसिकली, जैसे कि दरमियान में हम एक दो चेक लगाते हैं कि डस्ट का, इन चीजों का जो हम कवर नहीं करते, उसके बाद उतारते हैं तो नीचे फेंक देते हैं, ये पॉइंट हो गया सॉर्टिंग के लिए, ये नीचे सारी पड़ी हुई है, यहीं से माइक्रोब्स बेसिकली उसके साथ शामिल होते हैं और रॉटिंग की तरफ हमारा फूड चला जाता है, डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीजें उसमें शुरू हो जाती हैं। ये इश्यूज है मेन। मैट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए कि मैट इस्तेमाल करें, कम से कम ग्लव्स का इस्तेमाल हो, पैरों में कोई चीज ऐसी इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो है आप प्री सॉर्टिंग स्टार्ट करें कि इसमें से जो डिजीज और जिस तरह का मटेरियल मैंने पहले बताया कि वो निकाल दिया जाए। अब इसके बाद है कि प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं। प्रोसेसिंग में जैसा कि हमने पढ़ा था, जो खलल है स्टेज, जो डोका स्टेज है, उसका सबसे जो इस्तेमाल जो बेहतर होता है वो ये है कि जनाब वो फ्रेश खाया जाए फ्रूट, और फ्रेश फ्रूट वो डोके की सूरत में जिसमें टैनिन की मिकदार कम है, जैसा कि हिलावी की एग्जाम्पल दी है, शक्कर की एग्जाम्पल दी है, पताशों की एग्जाम्पल दी है आपको, बसरा की एग्जाम्पल दी है, ये मुख्तलिफ नामों से होती हैं, बहुत का ये स्ट्रेन है एक दूसरे के साथ जेनेटिकली, ये जो है ये सारी जो वराइटीज हैं ये फ्रेश खाई जाती हैं, फ्रेश सेल हो जाती हैं। लेकिन ऐसी वराइटीज हमारे पास हैं जो जिनकी जो प्रोडक्शन है हमारे पास बहुत ज्यादा है और उनकी कल्टीवेशन भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी मार्केट भी जो ज्यादा है, एक तो मोनसून उसको कॉन्साइड करता है, जिसमें असील वैरायटी हमारी पहले नंबर पे आती है उसको कॉन्साइड करता है, और सबसे ज्यादा जो वैरायटी पाकिस्तान में इस टाइम लगी हुई है वो असील वैरायटी है। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अब हम क्या करें मानसून से बचाएं, कि सबसे आसान हल जो है वो यही होता है कि हम उसको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में चेंज कर दें, जिसको हम अपनी लोकल जबान में छुआरा कहते हैं। छुआरे के लिए काटते हैं, काट के उसको ले आते हैं, उसका भी तरीकाकार वही अनहाइजीनिक है, उसको काटा, नीचे गिराया, फिर ट्रालियों में भर के फिर आए, फिर हमने नीचे उसको जमीन पे गिरा दिया, उसी हिसाब से हमने उसको उठाया, उठाने के बाद 15-20 मिनट के लिए वो पानी में उबाला, उबालने के बाद वो छुआरा हमारा तैयार हो जाता है, और छुआरा हमारा मार्केट में जाता है जो लोअर प्राइस मार्केट है, लेकिन नो डाउट इसमें से अर्निंग पाकिस्तान बहुत ज्यादा करता है, लेकिन फिर भी ये लोअर प्राइस मार्केट है अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और वराइटीज के मुकाबले में देखें। तो ये दो चीजें हैं, मॉनसून और दूसरा इतनी ज्यादा लगी हुई है, इसको कैसे बचाएं? तो उसको हम छुआरा तो बनाते हैं डिहाइड्रेटेड, लेकिन अनहाइजेनिक वे से बनाते हैं कि उसका छुआरा बना देते हैं। अब इसको अनहाइजेनिक मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से हैंडल हो रहा है, उसकी हैंडलिंग है, ये फ्रूट की मट्टी के साथ वो इंटैक्ट है, आप देखें जहां पे कड़ाह लगा हुआ है वो जगह किस तरह की है, और दूसरा ये है कि हमें वाटर का नहीं मालूम वाटर कैसा है, वाटर इन्फेक्टेड है, वाटर जो है वैसे भी बॉयलिंग में चला जाता है, चलो इन्फेक्शन उसकी कम हो गई, लेकिन वाटर जो है वो पीने के काबिल भी है कि नहीं है, ये किस तरह का पानी इसमें इस्तेमाल होता है, और दूसरा इसमें रंग देने के लिए कलर भी और केमिकल भी आपको मालूम है कि चेंज इस्तेमाल होता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसी तरह का उस लिहाज से बेहतर नहीं है, जैसा कि हम उसको खुरदनी जो ब्लैक छुआरा कहते हैं तो उसकी सूरत में हो। तो ये एक डिहाइड्रेशन का तरीका है, 15 से 20 मिनट के लिए बॉयलिंग वाटर में, बॉयलिंग वाटर के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं, और सूरज की इंटेंसिटी के मुताबिक 6 से 7 दिन इसको फिर वही तरीकाकार है अनहाइजेनिक कि हम मैट्स पे, जो हमारे पास मैट्स बनी हुई हैं, मैट्स को जो है वो यूज करते हैं, और वो मैट्स हो सकता है 5-5 साल, 4-4 साल, 10-10 साल हमारे पास पुरानी, उनके ऊपर डाल देते हैं, और वो छुआरा भी है, वो छुआरा भी हमारा ड्राई होने की वजह से वो स्टोरेज तो उसकी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस तरह का हाइजीनिक हाइजेनिक और हेल्दी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इसमें भी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों की हेल्प के लिए पहले भी करती रहती है, अभी भी उनको प्रोवाइड करें, ट्रेस प्रोवाइड करें जो स्टैंड की सूरत में हो, उनको मैट्स प्रोवाइड किया जाए, उनको तरपालें प्रोवाइड की जाए, इस तरह की चीजें जो है इनसे हम अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो हमारा फार्मर जो है वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और टाइमली और बारिश से भी महफूज करके इसको बचा सकता है।
अब प्रोसेसिंग में यह है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग, हम खलल को अभी पढ़ रहे हैं कि खलल स्टेज जो डोका है, पहला तो यह था कि हमने जिनमें टैनिन की मिकदार कम है उसको फ्रेश खा लिया, और दूसरा तरीका यह था कि जिससे हम अर्निंग कमाते हैं, पैसा कमाता है पाकिस्तान, तो वो जो है वो हम करते हैं जो छुआरे में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ वैरायटीज हमारे पास ऐसी होती हैं कि जो अर्ली तो आ जाती हैं और वो उनमें टेनिन की मिकदार भी होती है, और उसको हम मार्केट अर्ली वैरायटीज के तौर पे करना चाहते हैं, तो उसकी हम फिर आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं। आप आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए क्या तरीका कार होता है कि हम एस्टिक एसिड है, एथेनॉल यूज करते हैं, एसिटाइल्डिहाइड वगैरह, ये सिरका वगैरह, इस तरह की चीजें यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं। इसका अमूमन फार्मूला जो होता है वो 1% जो खुरदरी नमक है और 2% एस्टिक एसिड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको लगा के आप लगा शाम को रख देते हैं, अगर 6 बजे 7 8 बजे इसको रख दें तो जब मंडी का टाइम सुबह होता है ये काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी होती है, कलर चेंज कर चुकी होती है, तो ये आप मार्केट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो नमक का जायका जबान में फील होगा, लेकिन इससे ये है कि आप टाइमली एक प्रोडक्ट मार्केट में भेज सकते हैं। ये भी एक सेमिंग का तरीका है जो कि ट्रेडिशनली रिवायती तौर पे हमारे पास चलता आ रहा है, जो सदियों से, जब तक ये फ्रिजें नहीं थी, इस तरह की चीजें स्टोर करने के लिए नहीं थी, तो लोग दो चीजों में चीजों को स्टोर करते थे। ये आप लोगों को मालूम है, या नमक में चीज स्टोर होती थी, नमक और ऑयल में, या फिर स्टोर होती थी मीठे के तौर पे या खुश करके। ये तीन चीजें हैं, तीन तरह से इसको, वो भी खुश्क में भी नमक लगा के उसको खुश करते हैं, तो इसी तरह से इसको आप आगे मार्केट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस पाकिस्तान में होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैंने लिखे हैं, ड्राइंग शुड बी डन सिमल्टेनियसली आफ्टर राइपनिंग। राइपनिंग के बाद जो इसकी इसको खुश करने का तरीकाकार है वो जो है वो बतदरीज होना चाहिए, उसको आप प्रॉपर और एक जैसा उसको चीजों को लगाना है, अगर नमक या कोई चीज लगा सकते हैं तो उसको पूरा का पूरा जो आपके पास एक वो मटेरियल डंप की सूरत में पड़ा हुआ है वहां पे आप उसको जो है सही तरीके से सारे उसमें मिक्स करें ताकि सारे इक्वली जो है वो रैपन हो सके। द डिजायर मॉइस्चर जो है रैपनिंग के लिए, ये आप जहन में रखें कि अगर आप वो रैपनिंग करना चाहते हैं तो डिजायर जो हमें मॉइस्चर कंटेंट्स चाहिए होता है वो 23 से 25% चाहिए मॉइस्चर। यहां तक आपने फ्रूट का मॉइस्चर ले जाना है रैपनिंग के दौरान, उसको इतना खुश करना है आपने, वहां से मॉइस्चर जो है वो कम हो जाए। ड्राइंग कैन बी डन ऑन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या तरीके हैं खुश करने के? स्प्रेडिंग द डेट्स ऑन ट्रेज दैट विल बी एक्सपोज टू द सन। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, ट्रेज के ऊपर हो लेकिन जमीन के साथ इंटैक्ट नहीं करना, हमने हाइजीन की तरफ, साफ सुथरे फ्रूट की तरफ जाना है, ताकि उससे हमारा फ्रूट का प्राइस भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, जितना साफ सुथरा हमारा फ्रूट होगा और अच्छा होगा। तो आप उसको जो है वो सनलाइट में आप रख देते हैं। उसका तरीका कार जो लोग करते हैं, कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जैसा कि बरही वैरायटी है, इस तरह की जो जैदी वैरायटी है, इनका जब आपकी राइपनिंग हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका बंच 40-50% तक या 30-40% तक ये राइपन हो चुका है, इसका डंक बन चुका है, तो इसका पूरा बंच काटते हैं। बंच काट के इसको रख देते हैं, जो बलुचिस्तान में भी कुछ वैरायटीज हैं जिनको सनलाइट के अंदर रख देते हैं, और उसके साथ ये पूरा का पूरा बड़ा बेहतरीन किस्म का राइपनिंग उसकी हो जाती है। या फिर आप अलहदा अलहदा फ्रूट उसका वो करके उसको सनलाइट के अंदर रखते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सनलाइट इतने ज्यादा उस पर ना पड़े कि जिसके साथ वो जो है वो छिलका छोड़े, या फिर हम लोकल जबान में कहते हैं कि ये कुकी बन गई है। कुकी से मुराद ये है कि खुश्क, उसकी गूदा जो है वो किसी नाम का नहीं रहता, सिर्फ छिलका होता है और पतला सी एक लेयर आपको गूदे की, उसके फाइबर की नजर आती है, तो इस तरह से बन जाएगी। या इसको प्लास्टिक टनल के अंदर रखें, उसका मॉइस्चर लेवल आप डिजायरेबल रखेंगे, या हीटेड एयर उसको रखें। ओवर ड्राइंग आर लेस देन 20% मॉइस्चर शुड बी अवॉइडेड टू कीप द डेट्स सॉफ्ट, जो है इसका आपने खासकर ख्याल रखना है। अच्छा, प्रोसेसिंग के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं कि जो शेयर करना चाह रहा था, कि इसमें मैंने कैटेगरी की है कि तीन किस्म की, अगर हम कहें कि हमारे पास खजूरें हैं, उनका जो ऊपर स्किन है उसकी फ्लैश जो है
वो फ्लैश की लेयर की बेस पे, अगर इसको हम तीन कैटेगरीज में कर दें, एक सॉफ्ट जिनकी फ्लैश सॉफ्ट होती है, नरम होती है, एक सेमी हार्ड है, और एक जो है वो थिक फ्लैश होते हैं, उनकी फ्लैश जो है वो बहुत थिक होती है, कुछ सेमी हार्ड होते हैं, हिला भी थिन है, खदरा भी सेमी हार्ड है, जो ये थिक फ्लैश वाली हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हार्ड वराइटीज हैं जिसमें हमारी मेटजोल है और इस तरह की जो आती हैं, इस तरह की वराइटीज जो हैं, जैसा कि पोपो है हमारा, इस तरह की जो वराइटीज हैं, तो ये जो वराइटीज हैं इनका मुख्तलिफ टेम्परेचर है। इसको आपने अगर टनल के अंदर रखना है तो टेम्परेचर क्या रखना है, टेम्परेचर इसका 35 to, जो सॉफ्ट फ्लैश है जिसकी स्किन सॉफ्ट है, 35 to 40, 40 डिग्री सेल्सियस स्केल तक, इससे ज्यादा आपने नहीं रखना है, क्योंकि इससे अगर आपने ज्यादा किया तो वो स्किन जो है एक तो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर वो पफिनेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी पफिनेस से का मतलब ये है कि उसकी स्किन जो है उसके अंदर हवा भर जाती है, आप कहते हैं इसने छिलका छोड़ा हुआ है, हमारे फ्रूट ने, वो छिलका छोड़ना शुरू कर देगी। सेमी हार्ड जो है इसका 40 से जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस स्केल तक टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है इंटरनेशनली, ये अप्रूव्ड है चीजें जो 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 रखी जाती है। थिक फ्लैश जो होती है, जिसका थिक है, उसको हम 45 to 46% रखते हैं, लेकिन इन सब में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 70% रखते हैं, और 2 से 4 दिन तक के लिए ये जो है ये वैरायटी पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आप इसकी रैपलिंग देखते रहते हैं। अगर टनल के अंदर रखते हैं तो आप इसके इसकी जो है, मैं आगे दिखाता हूं, ये मुख्तलिफ टनल्स हैं जो यूज होते हैं, ये सोलर पे टनल चलता है, सिंपल सा है बना हुआ है, आप इसके एक साइड पे एक ब्लो वो लगाते हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रूट रखते हैं, इसको कवर करते हैं, वो कवर में भी आपको थोड़ी सी हर काम में मेहनत करनी पड़ती है कि आप आपको इसका रुख जो है फ्रूट का वो बार बार चेंज करना पड़ता है, आप देखते रहते हैं उसी हिसाब से इसको चेंज करते हैं, इसके मॉइस्चर को भी मेंटेन रखते हैं जो मैंने आपको बताया है, आप उस पर गैजेट लगाएं मॉइस्चर का और इसको मेंटेन करते हैं, इसका खर्चा भी कम है और इस तरह से ड्राई किया जा सकता है। दूसरा, ये प्रोसेसिंग का एक प्लांट है, राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने देखा है बलूचिस्तान में, काफी अच्छा ये वर्क करता है, और इससे जो इसको इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड भी हैं, इसके साथ 2 ब्लोअर लगते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, और इसका मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है, और ट्रेज जो नीचे वाली हैं उसको ऊपर कर दिया जाता है और ऊपर वाली नीचे कर दिया जाता है, इसको देखते रहते हैं कि जनाब किस तरह से, उसी हिसाब से ये ट्रेज का जो है ट्रेज को ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि एक इक्वल उनको हीट मिले और इक्वल इन्वायरमेंट उनको मिल सके रैपनिंग के लिए। ये एक और चीज है जो अभी जैसा कि हमने बात किया की थी कि जो छुआरा है हमारा, मॉनसून हमें कंसाइड करता है कि हम छुआरा बनाना चाहते हैं, और छुआरा भी अगर हमें हाइजीन छुआरे की तरफ जाना है, क्योंकि अभी भी हम छुआरे से पैसे अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको हाइजीन बनाए और साफ सुथरा बनाए और उसकी उसी तरह से मार्केटिंग की जाए तो उसका रेट मजीद इजाफा हो सकता है, वो इस तरह से हो जाएगा कि हम इसको मैकेनाइज कर दें, उससे छुआरा भी तैयार करें, अगर खजूर उस पे तैयार होती है तो उसको खजूर को भी उसमें क्या तैयार किया जाए। पड़ेगा कि आप लोअर प्राइस जो हमारे पास वैरायटीज हैं, हम उनकी बजाय जो हायर प्राइस जिनका साइज अच्छा है, जैसा कि ढकी है और इस तरह का है, इन पौधों को, इनको हम ज्यादा से ज्यादा इसका छुआरा बनाएं, और छुआरा बना के इसी तरह से ड्राई करें मैकेनाइज्ड के थ्रू, और उसको आगे हम मार्केट करें जिससे पैसा भी अच्छा कमाया जाएगा और साफ सुथरा क्लीन मटेरियल भी हमें मिल जाएगा, हाइजीन मटेरियल भी मिल जाएगा। ये मैकेनाइजेशन का है, ये पाकिस्तान में ही सिस्टम तैयार हो रहा है और नीचे ये सारी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं। अच्छा, प्रिपरेशन फॉर मार्केट। अब प्रिपरेशन फॉर मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप वो फ्रूट ले आए, आपने प्री सॉर्टिंग कर ली, उसको एक साफ सुथरी गाड़ी पे साफ सुथरी चीजों में रख के आप फ्रूट अब ले आए, फ्रूट ले आने के बाद यहाँ पे आप आ गए अपनी फैक्ट्री में या जिस जगह पे जो है मेन आपका सिस्टम आपने बनाया हुआ है, तो वहां आने के बाद
इसकी आप फ्यूमिगेशन करेंगे, फ्रूट की फ्यूमिगेशन इसलिए की जाएगी ताकि हमने इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी है, और स्टोरेज में करने के लिए कि अगर इसके अंदर कोई भी कोई किसी किस्म के स्टोर्ड पेस्ट है, कि कोई भी चीज मौजूद है, एग है, कोई उसके अपने कोई चीजें हैं, इसके मैगट्स हैं, कोई इस किस्म की चीजें हैं, तो उनको डिसइनफेक्ट कर सकें। और दूसरा जो है, या अगर कोई उसको कोई मोल्ड है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई इस किस्म की चीजें, सो उससे बचाया जा सके, तो वो हम इस प्रोसीजर के थ्रू करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं अपने मटेरियल को। और फ्यूमिगेट के लिए अमूमन कई सारी चीजें हैं जो की जाती हैं। उसमें जो है मिथाइल ब्रोमाइड बहुत मशहूर है, मिथाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन कोई 30 से 33 ग्राम पर क्यूबिक मीटर में इस्तेमाल की जाती है। इसको 12 से 24 घंटों के लिए, ये इसका रिजल्ट अच्छा होता है, और टेम्परेचर इसका 16 डिग्री सेल्सियस स्केल अगर रखें तो ये दी बेस्ट, खासकर इन्फेस्टेशन इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पे ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है, ये जो है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए फिर सल्फ्यूरल फ्लोराइड है, और ये जो है ये भी यूज होती है, और इसकी मिकदार जरा हम ज्यादा यूज करते हैं, वो 30 से 33 ग्राम यूज करते थे, ये हम 34 ग्राम पर क्यूबिक मीटर यूज करते हैं, और इसको हम 24 आवर्स के लिए यूज करते हैं, और जो है जो टेम्परेचर है इसका सल्फ्यूरल फ्लोराइड का, इसका हम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस स्केल रखते हैं। इसके अलावा आप फास्फीन की भी जो है वो चीजें यूज करते हैं, और वो तकरीबन 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल होती हैं, ट्रीटमेंट होती है 20 डिग्री सेल्सियस स्केल पर, और ह्यूमिडिटी जो है वो 60 डिग्री 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। एक है हीट ट्रीटमेंट, आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फ्यूमिगेट करनी है तो फ्यूमिगेट के दो तरीकेकार हैं। पहली जो फ्यूमिगेट की थी वो आपने ओवरऑल अपने मटेरियल के लिए की है। ओवरऑल मटेरियल ये है कि आपने किसी भी मार्केट को टारगेट करना है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी आ रही है। लेकिन ये जो दूसरी जो है जो हीट ट्रीटमेंट है, ये ज्यादातर रिकमेंडेड होती है अगर आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक को फोकस कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक के लोगों के साथ, ऑर्गेनिक के स्लोगन के साथ मार्केट में जा रहे हैं, तो फिर आप हीट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। हीटेड एयर को पास करते हैं आप, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, और 2 से 4 जो है घंटों के लिए आप ये हीट ट्रीटमेंट इसका जो है वो करते हैं। इसके अलावा और भी प्रोसीजर हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं कि वो ये प्रोसीजर है। स्टोरेज जो है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस स्केल विल प्रिवेंट इंसेक्ट फीडिंग डैमेज और रिप्रोडक्शन, 10 से कम करेंगे, जितना लो टेम्परेचर पे करेंगे उसमें इंसेक्ट पेस्ट और इन चीजों का जो है वो कम होगा। अब इसकी जो है आगे है, इसकी क्लीनिंग है, ड्राइंग है, ग्रेडिंग है, मेटल डिटेक्शन है, या सरफेस कोटिंग है। अब मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि क्लीनिंग जो है वहां पे हमने, अगर हम उसको कवर करेंगे अपने पौधे को, तो उससे फिर हम डस्ट, डर्ट और इन चीजों से, फॉरेन मटेरियल से, इन चीजों से बच सकते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपने वो किया है, तो चीज को, क्योंकि हमने हाइजीन करना है, उसकी वैल्यू हमने बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए जब हम वापस ले आएंगे तो इसको दो तरह से क्लीन किया जाता है, एक वाटर से, या फिर उसको ब्लोइंग एयर से हम ट्रीट करेंगे, हवा से करेंगे, ब्लोइंग एयर से, या फिर उसको वाटर से। जो दो तरीके हैं, तो दो तरीकों से इसको जो है ट्रीट करेंगे। उसका पर्पस क्या होगा, एक तो डस्ट हम खत्म करें, डस्ट के अलावा इसकी जो है वो डर्ट खत्म करें, डर्ट खत्म हो जाए, और जो फॉरन हमारे मटेरियल है वो इसके ऊपर कोई फॉरन एजेंट्स हैं, वो चीजें उनको रिमूव किया जा सके। सॉर्टिंग बाय क्वालिटी एंड साइज इनटू ग्रेड्स, ग्रेड्स में इसको सॉर्टिंग इसकी करनी है, सरफेस कोटिंग करनी है। अब कोटिंग जो इसकी करेंगे, वो कोटिंग वो डिफरेंट मटेरियल इसके यूज होते हैं, जो मुख्तलिफ जो सबसे बेहतरीन यूज होते हैं वो 5 और 6% सोल्यूशन है, सॉल्यूबल स्टार्च स्टार्च का, उसके अंदर इसको डिप किया जा सकता है, या आप इसको 3% मिथाइल सेलुलोज में भी जो है डिप कर सकते हैं। और उसके अलावा यह है कि कॉम्बिनेशन अगर बनाए 2% ब्यूटिलेटेड जो है
हाइड्रोजेनोलोज जो है और 2% ब्यूटिलेटेड हाइड्रोजेनोलोइन जो है, 6% वेजिटेबल ऑयल, 90% वाटर एंड वेटिंग एजेंट जो है, इसके साथ आप इसको मिक्स करके, तो ये भी एक जो है बहुत अच्छा इसका कोटिंग यूज हो सकता है। बनिस्बत ऑयल के जो आप सिंपल सरसों का ऑयल लगाते हैं, सरसों का के ऑयल उसकी वैल्यू को कम कर देता है, और वो तकरीबन पैकेट्स में हमारे यहाँ सील वरायटी आती है, और उसको आम बंदा ऑयल वाली लेता नहीं है, चमकने की वजह से तो ले लेता है, लेकिन वो ज्यादातर बिकती है कि एक शापर में डाल के उसके 2 दाने, 4 दाने, 5 दाने डाल के 5-10 रुपए की थैली के हिसाब से वो आम मार्केट में बिकती है। या दूसरा है सरफेस कोटिंग का जो मटेरियल है, वो वेजिटेबल ऑयल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट सिरप भी इवन इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में भी किया जाता है। इस तरह से जो है ये वाले मटेरियल इसके लिए बेहतरीन है और एडिबल है, इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो हेल्थ के लिए भी इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। द डेट्स आर पिटेड एंड मे बी स्टफ्ड विद नट्स, ये उसकी वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट द डेट्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, उसके लिए आप पैकेजिंग मटेरियल है। यूज ऑफ इंसेक्ट प्रूफ पैकेजिंग इज हाईली रिकमेंडेड टू प्रिवेंट री इन्फेस्टेशन विद इंसेक्ट्स ड्यूरिंग देयर सब्सिक्वेंट स्टोरेज एंड हैंडलिंग स्टेप्स। आप इसकी पैकेजिंग जो है वो इंसेक्ट प्रूफ पैकेजिंग जो है वो उसको इस्तेमाल में लेके आए। ये मुख्तलिफ पैकेजिंग है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें अलहदा से फ्रूट को सिंगल के तौर पर भी किया जाता है, इसको आप एक डब्बे में भी करते हैं, और दूसरा एयर वैक्यूम भी होती है उस तरह से भी कर सकते हैं, और इसका साइज जो है पैकेज का वो साइज जो है वो मुख्तलिफ किलो ग्राम तक का भी इंटरनेशनल जो चलता है ये भी चलता है, आपका 2 से 3 किलोग्राम भी चलता है, और 5 किलोग्राम तक का भी ये साइज चलता है। आप इसमें इसको जो है मार्केट कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी से अच्छी जैसी पैकिंग होगी उसी तरह के हिसाब से आप करेंगे। इस तरह का मटेरियल करें जो रॉटनिंग की तरफ जल्दी ना जाए, और वो रॉटनिंग होगा गत्ता इस तरह का है कि जिसमें फंगस आती है मच्छर की बेस पे, अगर मच्छर होगा तो वो भी हमारे लिए स्टोरेज में जो है वो इश्यू क्रिएट करेगा। अब स्टोरेज है, इसमें जो स्टोरेज है ये स्टोरेज खलल की भी स्टोरेज होती है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे स्टोर हो सकती है, जैसा कि बरही वर्ल्ड में बहुत पसंदीदा वैरायटी है इसका, डंग भी और जो खलल है वो भी स्टोर किया जाता है, और काफी लोग अपने लिए ये स्टोर करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे 85 से 95% अगर रिलेटिव डीटी आप रखेंगे, तो ये इससे ये जो खलल स्टेज का फ्रूट है उसको स्टोर किया जा सकता है। इसका एक फायदा ये होता है कि ये वाटर लॉस नहीं होने देता, उसको रिड्यूस करता है, रैपनिंग को जो है वो डिले करता है, और टेक्सचर और उसका फ्लेवर को मेंटेन रखता है। उसके बाद आप थाइंग करें, थाइंग करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैकेजिंग इन प्लास्टिक बैग और यूज ऑफ द प्लास्टिक लाइनर इन द बॉक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस। अगर आप इनको प्लास्टिक बैग में या प्लास्टिक लाइनर बैग में इन इस तरह के बॉक्स में इसको रखते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है स्टोर कर सकते हैं, जो आपके जिपर बैग हैं या इस किस्म के हैं इस तरह की, उसमें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको स्टोर किया जा सकता है। द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर तमर डेट्स, जो हमारी ड्राई डेट्स है बेसिकली, खुश्क हो चुकी है, जिसको हम अपना जो है पिंड कहते हैं, उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये वेरी करेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे 6 से 12 महीने तक ये डिपेंड करेगा कि आपका जो मटेरियल है, जो कल्टीवार है, वो कल्टीवार कौन सी है, उसी हिसाब से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें खासकर जो है सेमी सॉफ्ट जो वैरायटी डेट्स हैं, जो सेमी सॉफ्ट हैं लेकिन इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, उसको हम सेमी ड्राई भी नहीं कहते, उनको वैरायटीज को, जैसे कि हमारे पास हिलावी है, इस तरह की वैरायटीज हैं, इनको मैटजोल तैयार होती है या बरी तैयार हो जाती है, जैसा कि वो अभी बहुत ज्यादा लगाई जा रही है यहाँ पे, तो वो जो है उनको हम इस तरह के तमर स्टेज पे 0 डिग्री सेल्सियस स्केल पे 6 से 12 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर वो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा आपको, वो माइनस में जाना पड़ेगा, वो माइनस
15-10 तक आप उसको स्टोर करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर मॉइस्चर आपका फ्रूट में 20% है तो आप इसको -18 डिग्री सेल्सियस स्केल पे आप 1 साल से ज्यादा तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये है। और आपने जो वहां पे ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है वो ह्यूमिडिटी 65 से 75% इन ऑल केसेस जो है ये आपने मेंटेन रखनी है। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डेट्स बिकॉज इट मिनिमाइज लॉस ऑफ कलर, कलर के और फ्लेवर है इसका, इसकी क्वालिटी है उसको मिनिमाइज करता है। अप्रोप्रिएट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मैंने आपको बताया 65 से 75% इसकी आपने मेंटेन रखनी है। एट हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटीज डेट विल अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द रूम एयर अनलेस दे आर पैक्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। अगर ज्यादा मॉइस्चर इसने ले ली और आपने इसको ड्राई भी कर रहे हुए तो ये जो है वो छिलका छोड़ जाएगी। अगर हवा में भी एयर हुई आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन ना किया तो ये फ्रूट हमारा खराब हो जाएगा, इसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाएंगे। अब जो इसमें डिसऑर्डर है स्टोरेज के दौरान वो डार्कनिंग है, इसमें जो है एंजाइम है नॉन एंजाइम है एंजाइम्स हैं वो इस तरह के जो ब्राउनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है खजूर के अंदर, हाई मॉइस्चर की वजह से होता है और हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर भी आपने ठीक नहीं रखा मॉइस्चर भी आपने हाई कर दिया है तो ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये ब्लैक किश होना शुरू जाती है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आप कर दें और लो टेम्परेचर कर दें तो इसको बचा लेंगे, अदरवाइज जो है ये आपका फ्रूट जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है अंदर से इसका जो फाइबर है। स्किन सेपरेशन या पफिनेस जो हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं जिसमें इसका जो है वो छिलका छोड़ता है, ये स्किन ड्राई हार्ड एंड ब्रिटल एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लैश, फ्लैश को छोड़ देती है, उसके फाइबर को छोड़ देती है। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो उससे ये भी स्टार्ट हो जाएगा कि आपने टेम्परेचर जो है वो हाई रख है ऑलरेडी और एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है या जहां पे आपने इसको ड्राई कर रहे हैं वहां पे भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है वो एयर से ले रहे हैं तो उससे जो है ये छिलका छोड़ना शुरू कर देगा। तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है जो चीजें आपसे शेयर की गई हैं। बिफोर द बिगनिंग ऑफ रैपिंग में प्रेडिस्पोज द डेट्स टू स्किन सेपरेशन है, स्किन सेपरेशन की तरफ ये ले जाएगा दोनों जो है चीजें। शुगर स्पॉटिंग है या शुगरिंग है उसके जनाब वो कलर शोना क्रिस्टल शोना शुरू शुरू हो जाता है। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर्स बिलो द स्किन, स्किन के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और जो शुगर है हमारी वो क्रिस्टल फॉर्म में होना शुरू हो जाती है एंड इन द फ्लैश ऑफ द सॉफ्ट डेट कल्टीवार खासकर उसमें ज्यादा ये शो होता है, वो हार्ड टाइप लगती है तो इट ऑल्टर्स फ्रूट टेक्सचर एंड अपेयरेंस, उसका शक्ल सूरत को वो खराब कर देता है। इंसिडेंस एंड सेवरिटी ऑफ शुगर स्पॉटिंग इंक्रीज विद स्टोरेज टेम्परेचर एंड टाइम, स्टोरेज के टेम्परेचर अगर टाइम है उसी के हिसाब से इसकी सेवरिटी और शुगर की स्पॉटिंग जो है वो बढ़ जाती है। स्टोरेज एट रिकमेंडेड टेम्परेचर मिनिमाइज डिसऑर्डर, आपका स्टोरेज का रिकमेंडेड टेम्परेचर जो है अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये उसको मिनिमाइज कर सकता है। अगर वो फ्लैक्चुएट करता रहेगा तो आपने काफी सारी वैरायटीज को देखा होगा कि वो लॉन्ग टर्म अगर आप उसको स्टोर करते हैं उसके अंदर दानेदार बन जाते हैं, दाना ऐसे बनता है जैसा कि अमूमन मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दूं, अगर किसी के जहन में ये अमूमन जो डेट से ताल्लुक रखते हैं उनको तो मालूम होगा जो न्यू है, जैसा कि आपने देखा कि ग्रेन्यूल बन जाते हैं हार्ड पोर्शन बन जाता है मौसमी के अंदर, इसी तरह का यहाँ पे भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो अंदर व्हाइट कलर के स्किन के नीचे आपको क्रिस्टल नजर आते हैं, हार्ड हार्ड से नजर आता है, वो शुगर है, शुगर जो कंसंट्रेटेड हो चुकी है। उसमें होता क्या है, हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि स्टोरेज जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ स्टोरेज में टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन ही नहीं रखा जाता, टेम्परेचर को वो जो है वो उसके मुताबिक अपना तरीके के मुताबिक उसको एक जैसे जो रिकमेंडेड है उस तरह से रखने की बजाय कभी लाइट जा रही है कभी आ रही है कभी उसको बंद किया जा रहा है कभी उसको चलाया जा रहा है, जो आपका स्टोरेज है उसमें जो भी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जो आप गैजेट्स हैं उसको इस तरह से जब फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर की तो तब ये ग्रैन्यूल्स बनते हैं। आपने अगर जो ग्रैन्यूल से बचना है तो टेम्परेचर जो रिकमेंडेड है वो आपने मेंटेन रखना है और उसी तरह से वो रहे। शुगरिंग में भी रिड्यूस्ड बाय जेंटल हीटिंग ऑफ द
अफेक्टेड डेट्स, अगर उसको आप जेंटल हीट करें तो उससे आप बचा जा सकता है, मतलब बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच जी।